गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आपने लेसन टू वर्ण शब्द व लिपि पढ़ा। वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं और लिपि के बारे में आपने विस्तृत जानकारी प्राप्त की और आज हम लोग बुक वर्क करेंगे। आइए देखें आपने कितना सीखा। ये स्वयं पूरा करो, इसे पूरा करना है, खुद से आपको लिखना है। ये अ है, इसके बाद क्या होगा, आ ई ई लिखा हुआ है, उ रे लिखा है, ए ए ओ लिखा है, ओ, ठीक है। इस फूल में सा सा आपको लिखना है। पहला में स्वर पूरा करना था, अभी व्यंजन पूरे करने हैं। व्यंजन क से लेकर ह तक के सभी वर्णों को व्यंजन कहते हैं। यहाँ पर छ लिखा है, यहाँ लिखा है, मतलब यहाँ पे चौ छ ज छ य। यहाँ य से शुरू हुआ है, य र ल व। प से शुरू हुआ है, यानी प फ ब भ म। इस जो फूल की फूल दिख रहा है, इसमें सभी व्यंजन वर्णों को लिखना है, साफ साफ आप लोग लिखेंगे। इसके बाद है, इन वर्णों के मेल से नए शब्द बनाओ। यहाँ पर वर्ण लिखा हुआ है, इन वर्णों के मेल से, आप दो वर्णों के मेल से या तीन वर्णों के मेल से आपको शब्द बनाना है। क लिखा है, स लिखा है, ब न म ल ट र, ये वर्ण लिखा हुआ है। अब किसी भी वर्ण को किसी और वर्ण के साथ मिलाकर नए वर्ण लिखने, एक शब्द बनाना है, ठीक है। जैसे पहला लिखा हुआ बटन, लिखा है बटन, इसी तरह यहाँ पर हमने और भी कुछ शब्दों को बनाया है। ये नट है, ये तीन वर्णों वाला हो गया, ये दो वर्णों वाला, ये भी तीन वर्णों वाला। बटन कमल कलम, नट नल नर, कसम कमर रकम, जितने भी वर्ण यहाँ पर दिए हुए हैं ऊपर के वर्णों को मिलाकर ही लिखा गया है। इसके बाद है, इन संयुक्त अक्षरों से दो दो नए शब्द बनाना। संयुक्त अक्षर कैसे कहते हैं, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं जिसमें एक आधा और एक पूरा होता है तो वह संयुक्त कहलाता है, और इससे दो शब्द बनाना है। जैसे ये आधा नौ है, आधा नौ पूरा नौ मिलकर क्या हो गया, ये आधा नौ पूरा नौ हमने लिखा, इससे दो शब्द बना, अन्न गन्ना। आधा को य मिलकर क्यों, इससे बना क्या, क्यारी। क्यारी जानते हो ना, फूलों का बगीचा जहां पर छोटी छोटी क्यारियां होती हैं। आधा तो पूरा तो, इससे मिलकर बना पत्ता कुत्ता। आधा चौ छ, इससे मिलकर बना मच्छर अच्छा। तो ये सारे वर्णों और इनसे बने शब्दों को तुम्हें याद करना है। इसके बाद है, सही वाक्यों के आगे सही और गलत वाक्यों के आगे गलत का चिन्ह लगाएं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सही है या गलत, ये वर्ण सब भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सही है। वर्णों के मेल को भाषा कहते हैं, गलत। वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, दो या दो से अधिक वर्ण जब मिल जाते हैं तो वह शब्द कहलाते हैं। स्वर 10 होते हैं, ये भी गलत है, स्वर की संख्या कितनी होती है, 11। कलम निरर्थक शब्द है, ये भी गलत है, निरर्थक अर्थ होता है जिसका अर्थ नहीं हो। यहाँ पे कलम, लिखने वाला कलम, पेन, इसका अर्थ निकलता है, इसलिए ये यहाँ पे गलत है, कलम सार्थक शब्द है। हिंदी की लिपि रोमन है, ये भी गलत है, क्योंकि हिंदी की लिपि देवनागरी है, देवनागरी लिपि से ही हिंदी का निर्माण हुआ है और रोमन लिपि से अंग्रेजी वर्णों का निर्माण हुआ है। इस तरह ये बुक वर्क है, आप लोग अपने बुक में नीट एंड क्लीन लिखेंगे। ओके, थैंक यू।